हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स कि अगर हम मशीन सील करते हैं तो आज एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बुक का क्वेश्चन है। एक तो हम लैंग्वेज सीखेंगे और दूसरा कि सील होगा तो कैसे दिखाना होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो ये है कि आप लैंग्वेज को समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर है 10। तो आप लोग देखना, ध्यान देना, पहले समझना कि देखो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन समझ आना चाहिए। समझ आ जाएगा तो फिर जैसे लास्ट क्लास हमने देखा था वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो, अगर आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर है। पहले वर्किंग नोट बनाते हैं शॉर्ट सा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए वेन वाज परचेज ऑन 1st अप्रैल 2019 फॉर 60,000 एंड एक्सपेंड 5,000 इन रुपया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि खरीदते टाइम अगर हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। यानी आपने 1st अप्रैल 2019 में एक वैन खरीदा, वैन नंबर फर्स्ट, ये परचेज किया और कितने खरीदा हमने 65,000 का। ये वैन आपका फर्स्ट है, कोई दिक्कत इसमें? मेन इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन समझ आ जाए। क्वेश्चन समझ आ गया फिर करना वैसे। आगे लिखा है ऑन 1st अक्टूबर 2020 अनदर वैन वाज परचेज फॉर 70, एक और खरीद लिया, मतलब ये हो गया वैन नंबर सेकंड हो गया। और ये कितने खरीदा हमने 70,000 का। जहां डाउट होगा पूछना, ठीक है। आगे बोला ऑन 1st अप्रैल 2021 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1st अप्रैल 2019, यानी किसकी बात हो रही है? फर्स्ट वाले की। वाज सोल्ड फॉर 45,000, मतलब हमने क्या किया इस दिन अप्रैल 2021 में पहली वैन को क्या करा, सोल्ड कर दिया। और कितने में सेल किया हमने? 45,000। जितने में सेल किया आपको बताया गया कि हमने कितने में सेल किया है, तो आपको बता रहा है कि हमने कितने में सेल किया है, 45,000 में। और आगे लिखा हुआ है एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू वैन वाज परचेज फॉर 170, और इसी दिन एक और वैन खरीद लिया, वैन नंबर थर्ड, कितने का? 170,000 का। फिलिकल शो द वैन अकाउंट फॉर द 19 to 22 तक डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, और जो ईयर आपका क्लोज है वो 31st मार्च में। जो ऑनलाइन हो, अगर आपके पास बुक है 2022 एडिशन तो पेज नंबर 15.43 क्वेश्चन नंबर 10, और अगर आपके कोई दूसरा रेफरेंशियल है तो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका क्वेश्चन मिल जाए। अब आपको बुक की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि आपने अप्रैल 2019 में पहला वैन खरीदा, ठीक, फिर अक्टूबर 2020 में एक और खरीदा, फिर अप्रैल 2021 में क्या हुआ, एक और खरीदा और पहला वाला बेच दिया। क्लियर बात यहाँ तक? अब आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाते हैं अगले पेज से। तो पहले हम बना लेते हैं वैन अकाउंट। फॉर्मेट आप जानते हो, फॉर्मेट है इसका डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो 1st अप्रैल 2019 में, ये ना देखो 1st अप्रैल 2019 को हमने पहला वैन खरीदा 65,000 का। खरीदा, वैन बढ़ेगा, डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, वैन नंबर फर्स्ट 65,000, कोई परेशानी आ तक? साल आपको पता एंड कब होता है, एंड होता है मार्च में। तो आपका जो पहला ईयर एंडेड होगा वो 31st मार्च 2020 होगा, इसमें कोई परेशानी? तो एक बार बताओ, क्या इसके बीच में और कुछ हुआ है? अगला जो भी काम हुआ अक्टूबर 2020 में हुआ है। अक्टूबर तो भाई मार्च के बाद आता है, यानी इस सेशन के अंदर और कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको एंड करना है, और एंड पे आप क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन एक ही वैन है हमारे पास जिसकी वैल्यू 65,000 है, 10% रेट है। एक बात ध्यान रखना, जिस साल आप खरीदोगे उस साल आपको देखना पड़ेगा टाइम, बाकी के साल में तो पूरे साल ही चलेगा। जैसे आप मान लो आप 11th में पढ़ना है, 11th बच्चों कोई अप्रैल में आएगा, कोई जुलाई में आएगा, कोई अगस्त में आएगा, कोई सितंबर में आएगा, तो वो उतने उस हिसाब से पड़ेगा, उतने टाइम तक। लेकिन अब जब वो 12th में जाएगा तब तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पड़ेगा। सेम यहाँ भी कोई एसेट्स खरीदते हैं जिस साल, उस साल आपको टाइम देखना होता है कि कितना टाइम पीरियड चला, वो उतने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन आगे के सालों में तो पूरी साल ही चलेगी। तो यहाँ देखो हमने अप्रैल में खरीदा था और मार्च, तो पूरे साल चलिए, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना आपका, तो 6500 का डेप्रिसिएशन हो गया। कोई परेशानी आ तक?
कोई दिक्कत है? पहला साल आपका खत्म हो गया, टोटल करना है, हायर है 65, दोनों तरफ 65 लिखोगे और घटा दोगे तो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, तो कितना होगा 58,500, घटाना आपको आता ही होगा, 65,000 माइनस 65,000, तो 58,500 बैलेंस आ गया, ये आपका एक साल कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस पीडी, 58,500 का हो गया बैलेंस, कोई परेशानी आ तक? ठीक है तक? अब क्या हुआ, तो इस साल का जो एंड होगा, पहले एंडिंग की डेट डाल लेते हैं, एंड हो रहा मार्च 2021 में, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो मार्च 21 से पहले अक्टूबर 2020 आता है और इस टाइम आपने एक और वैन खरीदा है, मतलब इस सेशन के अंदर हमने एक और खरीदा, तो खरीदा तो इधर लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, फर्स्ट क्या डेट थी, अक्टूबर 1 अक्टूबर 2020 एक और खरीदा, तो टू बैंक अकाउंट, वैन नंबर टू खरीदा, कितना अमाउंट था इसका, 70,000। यहाँ तक कोई परेशानी? अब दूसरे साल का एंड होगा और एंड पे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो देखो इस साल मेरे पास कितनी वैन है, दो, तो दोनों पे लगाना होगा। yes, अगर मैं बात करूँ वैन फर्स्ट की, लास्ट ईयर खरीदी है, टाइम आपको देखना नहीं है, पूरे साल का डेप लगेगा, तो 65,000 का वैन, 65,000 है, इसमें कोई परेशानी? ठीक है। और एक और सेकंड वैन खरीदा है, वो कितने का है? 6 मंथ्स का लगेगा। वेरी गुड, 10%, बट ये हमने ये 10% है ना, ये 10 है, लेकिन दूसरी वाली वैन हमने अक्टूबर में खरीदी, तो अक्टूबर से लेकर मार्च से 6 महीने ही चलिए इस साल, तो आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना होगा 6 मंथ्स का लगाना होगा, कोई दिक्कत? 3500 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? अब आप इसकी टोटलिंग कर दोगे क्योंकि सेकंड ईयर आपका खत्म हो गया, तो ये हो गया 70 + 128 58,500 + 70,000 128,500 तो बैलेंस आ जाएगा आपका 118,500। यहां तक परेशानी? ये आपका दो साल खत्म हो गया, हमने परचेज कर लिया। अब आता मेन जो नया, जिसमें डाउट करते हैं बच्चे, सेल, थर्ड ईयर आएगा आपका, है ना, तो उस अकाउंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखना था, ये दिक्कत हो पूछना, और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और बताऊंगा, क्वेश्चन करते हैं साथ ही में डिस्कस कर लेंगे उसको भी, ओके, 8 क्वेश्चन उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपका 1 अप्रैल एंड हमने किया है मार्च 21 में, अप्रैल 21 आया, टू बैलेंस पीडी 118,500, ये था ना बैलेंस, यहाँ तक कोई परेशानी है? ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब अगर आप थर्ड ईयर में देखो तो आपने क्या किया, अप्रैल में ही, मतलब उसी डेट को, एक खरीदा और एक भेज दिया, लिखते हैं सेम डेट, तो ये डेट आ गई, कोई और डेट होती तो आप डेट डालते, आपने एक खरीदा तो यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, वैन नंबर थर्ड खरीदा, कितने का, 1,70,000 का, और बेचेंगे तो यहाँ पे वही डेट डालेंगे जिस दिन हम सेल करते हैं, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल होगा तो तीन चीजें आएंगी, पहला आएगा डेप्रिसिएशन, दूसरा आएगा जितने आपने सेल किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा आएगा प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आपका साल अप्रैल में स्टार्ट हुआ और आपने अप्रैल में ही बेच दिया, डेट देखो, अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ है और अप्रैल में ही बेच रहे हो, तो क्या इस साल मशीन चली, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन याद करो, जो हमने करा था, तो वहां पे हम यहाँ पे अक्टूबर में बेच रहे थे, तो अक्टूबर में बेच रहे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था, बात क्लियर है? लेकिन अगर अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ और अप्रैल में ही बेच दूं, तो क्या इस साल मशीन चली है, तो क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? तो एक चीज तो अड़ गई कि आपको डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ कोई और डेट होती तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता, ये क्लियर है? क्यों नहीं लगा रहे? ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे तो फिर सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, एक जितने में आपने सेल किया है और दूसरा जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, तो सेल कितने में गया तो आपको बता रखा है, तो मैं लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट, सेल कितने में सेल किया आपने, 45,000, और अगर आपको याद हो
तो मैंने बताया था कि अगर आपको सेल के टाइम पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो निकालना पड़ेगा, और उसका निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं, एक ही वर्किंग नोट बनेगा। पहली वाली वैन बेच रहे तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वैन फर्स्ट कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2019 में, और पहली वैन कितने की थी, 65,000। अब आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस, देखो 65 की हमने वैन खरीदी थी, पहली साल में 6500 का डेप्रिसिएशन लगा, दूसरी साल में भी 6500 का डेप्रिसिएशन लगा, और थर्ड ईयर में तो आपको डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसी दिन बेच दिया आपने, तो दो ही बार लगाया, तो दो बार का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 6500 और 6500। पहली बार लगा माइनस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2020 और डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2021, 13,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, 52,000 उसकी वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं है। अब आपने उसको कितने में सेल करा है, आपने उसको सेल कर दिया 45,000, तो आपको बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस कितने का लॉस, 7,000 का लॉस, लॉस ऑन सेल आ गया। इस वर्किंग नोट पे कोई डाउट है, ये जब भी आप सेल करोगे वर्किंग नोट आपको बनाना ही पड़ेगा। अगली क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम मशीन का कुछ हिस्सा बेचते हैं वहां पे कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होना है, थोड़ा सा चेंज होगा अगले क्वेश्चन में, उसमें देख लेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ, लेकिन आपको पहले ये क्लियर होगा तभी आप हिस्से वाले पे आओगे, पहले तो आपको पूरी मशीन बेचनी आनी चाहिए। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है। तो वापस लॉस निकल गया, तो मैंने आपको बताया था अगर लॉस होगा तो इधर लिखते हैं 7,000 का लॉस है, वही अगर मान लो प्रॉफिट होता तो आप वो इस चीज यहां लिख देते। ये हो गया आपके सेल का काम, तो देखो सेल के लिए आपको इतना ही काम करना है। ये एक चीज यहां और आ सकती थी, क्या आ सकता था, डेप्रिसिएशन आ सकता था। इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं आया क्योंकि आप जो एसेट्स बेच रहे हो वो उसी दिन बेच रहे हो जिसे स्टार्टिंग है। यहां कोई और डेट ड्यूटी जुलाई होती तो 3 महीने आता, नवंबर होता, अक्टूबर होता, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको दिन देखना पड़ता कितने दिन आपकी एसेट चली है, उतने दिन का आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता। बट इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत। ये है सेल, सिर्फ इतना ही नया सेल हो गया। आप क्या करोगे, साल का एंड करोगे 31 मार्च 2022 एंड, और एंड पे क्या लगता है, तो देखो तीन वैन थी मेरे पास, पहली दूसरी तीसरी, पहली तो बिक गई, वैन टू और वैन थ्री, तो वैन टू और वैन थ्री पे लगना आपका, और वैन टू कितने का है, 70,000 का, वैन टू की बात कर रहा हूं, तो 7,000 तो उस पे लग गया, यस सर। और वैन थर्ड अभी हमने खरीदा, देखो ये 170 का, और कब खरीदा है, 1 अप्रैल, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 170 का 10%। कोई दिक्कत, बस हो गया खत्म, टोटल करो 2885, ये हो गया आपका 2885500, बैलेंस आ गया 212500, माइनस पता नहीं सारे कुछ जोड़ेंगे हम और घटा देंगे तो आएगा 2 1 2 5 0। जब इतना आ जाए तो आपके बुक में दो आंसर दिए होंगे, एक तो लॉस का या प्रॉफिट जो भी होगा, सर 5 ना, हां ये 5 ही है सर, 5 है वो, अब वो थोड़ा हो गया किसी डिग्री में ना, चेंज करते तो बात नहीं, ये 5 ही है 2 1 2 5 0। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपका क्वेश्चन था, देखो ऑनलाइन वाला आप लोग स्क्रीनशॉट देखो, ये क्वेश्चन था हमारा, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये आपका तीसरा साल, और ये आपका वर्किंग। कोई डाउट है तो बताओ आप लोग, तो मेरे को दिक्कत पक्का ना, अगर है तो पूछ सकते हो, नहीं है और किसी को, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ऑनलाइन वाला क्वेश्चन करना, इसके दो तीन क्वेश्चन आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, 9, 10। एक चीज़ और, छोटी चीज़ और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आएगा, जैसे देखो यहाँ पर तो आपको ये बताया, ध्यान समझना बात को, यहाँ पर तो आपको बताया था कि हमने कितने में सेल किया है, 45,000। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखा उसमें बताया कितने में सेल किया। मान लो आपको ये सेल ना देके बोला था कि हमें सेल के टाइम कितना लॉस हो गया, सपोज करो ये सेल नहीं दिया होता, आपको लिखा होता कि जब हम सेल करते तो हमको 7,000 का लॉस हुआ, मतलब सेल वैल्यू ना देके लॉस या प्रॉफिट दिया, तो फिर आपको अभी तक आप क्या निकाल लेते, लॉस प्रॉफिट निकाल लेते। तो अगर आपको लॉस प्रॉफिट दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, सेल। और बहुत सिंपल है, आप एक जनरल सोचो, सपोज ये पेन 10 रुपए का मैंने खरीदा, मैं बोलूं जब मैं इसको बेच रहा था तो 2 रुपए का मुझे लॉस हो गया, तो मैंने कितने में बेचा होगा, 8 रुपए में, या 10 का है मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचा होगा,
12 रुपए में, जस्ट सेम यहाँ भी होगा। जब आप इस वर्किंग नोट के इस कगार पे पहुंचोगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, 52। सपोज क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमें 7000 का लॉस हुआ, तो 7 माइनस कर दे तो सेल वैल्यू कितनी आ जाती है, 45000 निकल जाएगा। मान लिखा होता है कि हमें 8000 का प्रॉफिट हुआ सेल के टाइम पे, तो 52 उसकी वैल्यू है, 8 का प्रॉफिट, तो सेल कितने का होगा, 52 प्लस 8। बात क्लियर है? तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको सेल ना बता के आपको प्रॉफिट और लॉस बताया हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट उसमें लॉस दे रखा है ना, तो बता ऐसी वर्किंग नोट बनाना है, लॉस दिया तो आप क्या निकाल लोगे, सेल निकाल लोगे। फिर जब यहाँ वर्किंग यहाँ पे भरने आओगे तो ये आपको दे रखा है, ये आप यहाँ पर हम ये निकाल लेते, ये चीज हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपको दिया होगा तो ये निकल जाएगा वर्किंग नोट से, फिर डाल देना, कोई परेशानी होगी तो उसके ऊपर एक ही वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राई करके देखना, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।